Hello dear students, how are you all? I am Patel Priyanka and welcome to today's session. बच्चों, आज हम class 12 का chapter number 3 human reproduction, उसका important topic जो है बेटा gametogenesis उसके बारे में study करेंगे. What do you mean by gametogenesis? See, तो देखो, the primary sex organs जो होते हैं, testes जो है, male में testes, female में ovary. तो प्रोडक्शन करते हैं स्पर्म एंड ओवा. टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म, ओवरी प्रोड्यूस ओवा. तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स, जो गैमेट्स बनते हैं उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, है ना बच्चों? तो चलो गैमेटोजेनेसिस में भी हम दो देखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजिनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, ओजिनेसिस में फॉर्मेशन होता है ओवा का. पहला हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस. तो देखो, फर्स्ट इट इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस. इट विल स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी की एज जो आती है 12 टू 16 या 13 टू 18 जो एज होती है, उस एज पे वो स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होता है. स्पर्मेटोगोनिया, इट इज प्रेजेंट इनसाइड ऑल ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. फर्स्ट इज स्पर्मेटोगोनिया, which is present inside wall of seminiferous tubule. Spermatogonia multiply होगा by mitotic division. फिर से बोलती हूँ, spermatogonia, ये है spermatogonia, ये multiply होता है. Division कौन सा? Mitotic, इधर mitotic है. And it increase the number. अगर division होता है तो उसका number बढ़ेगा ही ना. तो देखो, spermatogonia mitotically divide and increase in number. यहाँ तक clear? और वो डिप्लोइड है, टू एंड जिसको बोलता है ना डिप्लोइड. एंड इट कंटेन 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम. सम स्पर्मेटोगोनिया आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. सम स्पर्मेटोगोनिया आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. यहाँ से हमारी बहुत मेन जो होता है वो स्टार्ट होता है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा एंड कन्वर्ट होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी में से सेकेंडरी, पीछे क्या लगाने का मैम? स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट याद रखने का पीछा, पीछे उसमें से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, उसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है. ठीक है, तो देखो सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड इट फॉर्म टू इक्वल हैप्लोइड सेल्स विच कंटेन कितने क्रोमोसोम के? ओनली 23 क्रोमोसोम. यहाँ पे 46 था, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम. देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक होगा उनका डिवीजन एंड फॉर्म फोर इक्वल हैप्लोइड सेल्स स्पर्मेटिड. स्पर्मेटिड कन्वर्ट होगा स्पर्मेटोजोआ, या तो स्पर्म बोलो. मैम फिर से बोलो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजुआ, उसको स्पर्म बोलते हैं. उल्टा बोलती हूँ, अभी ध्यान रखो, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजुआ स्पर्मेटिड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड. पहले स्पर्मेटोजुआ स्पर्मेटिड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, ये रिवर्स बोल रही हूँ, ऐसे याद रहता है. तो अभी सीधा आते हैं तो उसका क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी देन स्पर्मेटिड एंड लास्ट स्पर्मेटोजुआ, ये जो है वो स्पर्म है. इट पजेस कॉल्ड, और जो प्रोसेस होती है जो कन्वर्ट होता है स्पर्मियोजिनेसिस. ठीक है, आफ्टर स्पर्मियोजिनेसिस द हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल. हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल स्पर्म का जो है, एंड स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से वो रिलीज हो जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन. स्पर्मिएशन दैट मींस स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, है ना, दिस स्पर्मिएशन. चलो इतना हो गया है. अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. ही क्यों? बिकॉज एट द एज ऑफ प्यूबर्टी जी एन आर एच गोनाडोट्रोपिंग रिलीजिंग हार्मोन लेवल इंक्रीज होता है. गोनाडोट्रोपिंग रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन है. ठीक है, और वो दो ऐसे हार्मोन से जिसको सिंथेसिस करेगा, सिक्रीट करेगा. कौन से दो मैम? एलएच एफएसएच, ल्यूटिनाइज
luteinizing hormone, follicle stimulating hormone. Luteinizing hormone acts on leading cell. LL याद रखने का, L तो luteinizing, L तो leading cell, है ना? It secretes the or synthesizes androgen hormone. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है. It stimulates gonadotropic releasing LH and FSH, leading cell androgen. और FSH act on Sertoli cell. फिर से, at the age of puberty, spermatogenesis होता है. Why पहले तो at this age GnRH gonadotropic releasing hormone का लेवल हाई होता है, जो दो हार्मोन FSH एंड LH को सिक्रेट एंड सिंथेसाइज करेगा. LH पहला है हमारा, इट वर्क्स और एक्ट्स ऑन लीडिंग सेल जो सिक्रेट करेगा एंड्रोजन को. FSH किसके ऊपर? सर्टोली सेल. ठीक है, चल ये हो गया हमारा इतना. इसके बाद यहाँ पे मस्त डायग्राम ड्रॉ किया है सीमेन का, स्पर्म का. इट इज होल बॉडी ऑफ द स्पर्म, इट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको एनवेलप करती है होल बॉडी ऑफ द स्पर्म. पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कीवर्ड हमारा, पूरा उसका कवर्ड होता है. फिर उसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है हेड का, ये हेड है, ठीक है, ये नेक है, मिडल पीस है और ये टेल है. चार पार्ट है, एच फॉर हेड, एन फॉर नेक, एम फी फॉर मिडल पीस एंड लास्ट टेल. तो हेड के अंदर हैप्लोइड न्यूक्लियस होगा. पहला तो हेड देखते हैं, चलो ये हेड है तो हैप्लोइड न्यूक्लियस होगा. द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हेड इट इज नोन एज एक्रोसोम बोलते हैं उसको, है ना. एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हेड नोन एज एक्रोसोम, फिल्ड विद द एंजाइम. एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन के लिए उसको हेल्प करता है. फिर से बोलती हूँ बेटा, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वेरी माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब वेरी माइन्यूट, माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप देख सकते हो उसको. तो उसके अंदर चार पार्ट बोले, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल बोला. पहला हमने हेड लिया, हेड के अंदर मैम आपने बोला न्यूक्लियस, कुछ हैप्लोइड बोला था, न्यूक्लियस हो गया. हेड का इंटीरियर पार्ट आपने कुछ बोला था, एक्रोसोम, एक्रोसोम विच इज फिल्ड विथ एंजाइम्स, उसके अंदर होता है जो फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करता है ओवम के साथ, वो हो गया. मिडल पीस ये रहा, दिखता है ना आपको, मिडल का एम याद रखने का, मिडल पीस का माइटोकॉन्ड्रिया की पे एम याद रखने का, एम 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 फॉर मिडल पीस, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर, आपको पता ही है माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है किसके लिए, टेल होती है ना, टेल की मोटिलिटी के लिए, टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है. कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है. कहाँ है? मिडल पीस में है. मिडल पीस किसका पार्ट है? स्पर्म का पार्ट है. क्लियर? चलो ये हो गया. और लास्ट जो है वो टेल है. एक बार जो इजेक्शन होता है, इजेक्युलेशन होता है, क्वाइटस होता है, तो मेल 200 टू 300 मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स, 200 टू 300 मिलियंस ऑफ द स्पर्म ड्यूरिंग वन क्वाइटस वो रिजेक्युलेट करता है. ठीक है, इतना याद रखना. उसमें से 60% जो स्पर्म होता है उनका शेप एंड साइज नॉर्मल होता है. कितने परसेंट का मैम? 60% का. 40% शो विगरस मोटिलिटी, तो 100% हो गया ना. 60% नॉर्मल शेप एंड साइज, 40% विगरस मोटिलिटी, शो विगरस मोटिलिटी. सेमिनल प्लाज्मा प्लस सीमेन कब बनेगा? तो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म कलेक्ट होगा, अलोंग विथ सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म कलेक्ट होके सीमेन बनाएगा. ठीक है, चलो. द फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी डक्ट, ऑल द डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय एंड्रोजन, दैट इज अ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो है टेस्टिकुलर हार्मोन, उससे वो मेंटेन होते हैं. ठीक है बेटा, आज हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा. उसमें एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जो मेन चीज यहाँ पे आपको क्या याद रखना है. पहला स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजुआ, जिसको स्पर्म बोलते हैं. देन ये जो मेन चीज है, पहली स्पर्मेटोगोनिया आपको ये याद रखना है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजुआ, बस वही चीज. दो GnRH हार्मोन है LHFSH, उसके बाद स्ट्रक्चर याद रखना है, इसके अंदर चार पार्ट है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम ओजिनेसिस पढ़ेंगे. ठीक है, टिल के प्रिवाइजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बेटा.